हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चित्रकला प्रश्नोत्तरी का पार्ट टू है। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहला पार्ट को देख सकते हैं। और इस पार्ट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन मैंने लिया है, और साथ ही साथ जो है आप इस सॉल्व करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रणय दूत चित्र किसने चित्रित किया है। तो जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर, या फिर नंदलाल बोस। और आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर, यानी कि गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? और आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे, कांगड़ा शैली में, या फिर गुलेर शैली में, या फिर गढ़वाल शैली में, या फिर बसोहली शैली में। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये डी नंबर, यानी कि बसोहली शैली में। और इसके बारे में, रसमंजरी के बारे में आपको रीता प्रताप के 268 पेज पे थोड़ी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और ये जो एक सचित्र प्रति है भानुदत्त कृत के द्वारा, और ये बसोहली शैली की पहली सचित्र प्रति मानी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लीजिए रीता प्रताप के 268 यानी कि 269 पृष्ठ नंबर पे, ये इसके बारे में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? और आपके जो ऑप्शन है, गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल, शुंग काल, या फिर मौर्य काल। और जो आपका सही आंसर है वो है बी, यानी कि कुषाण काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस काल की हैं? और आपके जो ऑप्शन है वो है गुप्त काल, मौर्य काल, या फिर कुषाण काल, या फिर शुंग काल। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये शुंग काल। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? और आपके ऑप्शन है यहाँ पे, मेवाड़ शैली है, किशनगढ़, बूंदी, या फिर अजंता। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर, यानी कि मेवाड़ शैली की है ये मोटी एवं नाटी आकृतियाँ, इसकी ये पहचान है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मदत्त पुराण किस काल का है? और आपके जो ऑप्शन है वो है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, या फिर कुषाण काल। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये गुप्त काल की है ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं। डेविड की पेंटिंग सुकरात के मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके, यथार्थवाद, शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, या फिर उत्तर यथार्थवाद। और इसका जो सही आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? और आपके जो ऑप्शन है, नर्मदा नदी, कावेरी, गंगा, या फिर यमुना। और इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है, टर्की कॉक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह, या फिर ये सभी। और आपका जो सही आंसर है ये लगभग जो है ये सभी हैं, इसकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं, इसकी तीनों हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? और आपके जो ऑप्शन है, मंसूर ने, विशन दास ने, अकारजा ने, या अब्दुल समद ने। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी नंबर, यानी कि विशन दास।
और आपको बता दें कि बिशन दास जहांगीर काल का श्रेष्ठ कलाकार था, और ये जो चित्र है शेख फूल सूफी संत, ये भारत कला भवन, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? और आपके जो चार ऑप्शन है वो है श्रीनगर, जम्मू, चंबा या फिर उत्तर प्रदेश में, और इसका जो सही जवाब है वो है बी, ये डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कलाकार अपनी कला में जूट माध्यम का प्रयोग करता था? आपके ऑप्शन है मीरा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, गोगी सरोज पाल या फिर अंजलि इला मेनन, और इसका जो सही जवाब है वो है ये मृणालिनी मुखर्जी हैं, इन्होंने जूट माध्यम का प्रयोग किया है अपनी कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की एक प्रसिद्ध कृति है माँ एवं शिशु, इसका माध्यम क्या है इस चित्र का? और आपके ऑप्शन है टेम्परा, वास, कैनवास पर तैल रंग या फिर कैनवास पे टेम्परा, और इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि कैनवास पर तैल रंग इसका माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? और आपके ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, मनोहर कौल, रजा या फिर नंदलाल बोस, और इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि जे स्वामीनाथन कांट्रा पत्रिका के संपादक थे। और आपको बता दें कि जे स्वामीनाथन जो हैं ग्रुप 1890 के संस्थापक थे, और जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी 1963 में। अगला जो क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? और आपके जो ऑप्शन है मूर्तिकार के रूप में, गायक के रूप में या नृत्य रचनाकार या फिर कलाकार के रूप में, और इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे आपका ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अमरनाथ सहगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये जाने माने मूर्तिकार थे, चित्रकार और कवि और कला शिक्षक थे, और मुख्यतया इन्होंने अपनी कला का माध्यम मूर्तियों को बनाया है, और मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें 2008 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे या फिर अध्यापन कार्य किया था? आपके ऑप्शन है जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता या फिर कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूजीसी में पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ उर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है एफ एन सूजा, के एस कुलकर्णी, बिमल दास गुप्ता या फिर प्राणनाथ मांगो, और इसका इस चित्र का जो सही आंसर है वो है प्राणनाथ मांगो है। प्राणनाथ मांगो के बारे में कुछ जान लेते हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे, ये चित्रकार कला समीक्षक थे, और कुछ समय तक ये ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में आलेखन विभाग के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेरेमिक क्या है? और आपके जो ऑप्शन है वो है सीमेंट का मिश्रण, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, प्रस्तर चूर्ण या फिर प्लास्टिक का मिश्रण, प्लास्टर का मिश्रण, ये प्लास्टर है, और इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। अगला क्वेश्चन है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है खनिज रंग, जल रंग, सोना चांदी रंग या फिर रासायनिक रंग, और इसका जो सही आंसर है वो है सोना चांदी रंग। इस शैली के बारे में
यहाँ पे बता दें कि इसमें अधिकांशतः जो है लाल, पीला और एवं सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये सोना चांदी का रंग प्रयोग हुआ है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए, ग्राफिक के लिए, या वास्तुकला, या भी सिरेमिक्स के लिए? और इसका जो सही जवाब है वो है डी नंबर, यानी कि सिरेमिक्स के लिए। आपको बता दें कि ज्योत्सना भट्ट जो है प्रसिद्ध छापाकार ज्योति भट्ट की धर्मपत्नी थी, और अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया 11 जुलाई 2020 को बड़ौदा में। और इसके बारे में हमने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। और एक और जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो प्रश्न है वो है, अपोलो एंड डेफनी नामक जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है उसका मूर्तिकार कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे दोनातेल्लो, परनीनी, वान गॉग, या फिर लोरेंजो गिबर्टी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर आज के वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए।